नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं दुपात्रा। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। जी हां दर्शकों, आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा। हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता तभी कर पाएंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। हम और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला जान पड़ता है। इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। ABM कॉलेज के वार्षिक कैलेंडर का विधायक सरयू राय ने किया विमोचन। मारवाड़ी युवा मंच का रक्तदान व जांच शिविर आयोजित। 132 यूनिट रक्त संग्रह, 284 लोगों का हुआ स्वास्थ्य जांच। बहरागोड़ा में 800 ग्रामीणों के बीच सांसद ने किया कंबल का वितरण। तेलको में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली बुलेट रानी दोषी हुई करार, 29 को मिलेगी सजा। चाकुलिया गौशाला परिसर में शेड निर्माण कार्य का विधायक ने किया शिलान्यास। झारखंड में नक्सली बंद का दिखा असर। कुल्हान में लंबी दूरी की बसों के परिचालन पर असर। धनबाद गया रेलखंड का ट्रैक नक्सलियों ने उड़ाया। रेड क्रॉस भवन में उपायुक्त सूरज कुमार ने किया झंडोत्तोलन। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। हेमंत सरकार पर बोला हमला। ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन के लिए उपायुक्त ने किया जागरूकता वाहन को रवाना। सरायकेला में भाई ने कर दी बहन की हत्या। बहन कर रही थी किसी लड़के से फोन पर बात, गुस्से में तमतमाए भाई ने पीट पीट कर बहन को उतारा मौत के घाट। गिरिडीह के जमुआ में मुखिया पति पर चली गोली, बची जान। कोरोना गाइडलाइन के साथ जिले में शान से लहराया गया तिरंगा। भिखराजपुर पंचायत निवासी 36 वर्षीय मायूमो के सक्रिय कार्यकर्ता भैरव महतो की मौत सीआर के काटने के बाद गुरुवार को इलाज के दौरान हुई। नावागढ़ में जर्जर अवस्था में लगे सोलर फाइबर पानी टंकी बुधवार को अचानक फट गई, लोगों में दहशत। चतरा में इलाज के अभाव में व्यक्ति की हुई मौत, निजी क्लिनिक में बैठे रहे चिकित्सक। ट्रक मालिकों की समस्या को लेकर जिला खनन पदाधिकारी से मिला कोयलांचल ट्रक हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई प्रसव की जानकारी, वैक्सीनेशन के प्रति भी किया गया जागरूक। अंगीठी की आग से झुलसकर युवती की हुई मौत, मां हुई जख्मी। रूपेश सिन्हा हत्याकांड की डायरी में छेड़छाड़ करने वाले दारोगा अब तक है फरार। कुछ पैसों के लिए नाबालिग को बेचा, 3 राज्यों से जुड़े हैं घटना के तार। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को उत्तर प्रदेश में बेचे जाने के मामले में 5 लोग घर आए। कोरोना के कारण मूर्तिकारों के सामने छाया रोजी रोटी का संकट, पेट पालना भी हुआ मुश्किल। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24 खबरों की।